फ्रेंड, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, नवीद एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो इंटरनेट से रिलेटेड दोस्तों के लिए है। आज हम टेंडा के राउटर वायरलेस N300 की अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको आउटडोर बनाना सीखेंगे कि हम इसको आउटडोर कैसे बना सकते हैं। ये राउटर के अंदर चार किस्म की सेटिंग है। आप इसको एक्सेस पॉइंट पे भी चला सकते हैं, क्लाइंट मोड पे चला सकते हैं, WISP मोड पे चला सकते हैं और रिपीटर मोड पे चला सकते हैं। तो हम इसकी सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इस राउटर के साथ। तो चलें हम इसको खोलते हैं। ये इसके साथ एक यूज़र गाइड दिया है। अगर हमें इसकी सेटिंग के मतलब नहीं पता तो हम इसके यूज़र गाइड को अच्छे से पढ़ लें तो हमें तमाम डिटेल जो है बआसानी पता चल जाएंगी कि इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। ये राउटर है हमारा टेंडा का वायरलेस N300। तो इसके साथ 5 dBi के 2 एंटीने हैं और इसके अलावा इसकी 3 जो है वो लैन पोर्ट हैं और एक वैन पोर्ट है, और इसके अलावा इसमें एक पावर की पोर्ट है और एक रीसेट बटन है। और इसके पीछे जो है वह इसका फिजिकल IP जो है वो ऐड है। अगर हम इसको एज ए PC या इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी इसके पीछे में मेंशन है, और इसका यूज़र नेम और पासवर्ड वो भी इसके भी पीछे मेंशन किया हुआ है उन्होंने। और इसके अलावा एक अडाप्टर है, इसके साथ 9 वोल्ट का अडाप्टर है ये, और एक इथरनेट केबल जो है वो दी हुई है साथ। तो इसको हम इसको आउटडोर तैयार करना है हमने। मैंने इस राउटर को एज ए WISP मोड पे मैंने यूज़ किया है। तो ये तकरीबन 200 फीट की दूरी पर मैंने इसको इंडोर बना के यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इसको और दूरी पर चलाना है और दूर तकरीबन कोई 600 फीट के फासले से मैंने इसको आउटडोर बना के यूज़र को चला के देना है। तो मैं इस राउटर को 1600 रुपये में परचेज़ किया है। तो ज़ाहिर है यूज़र जो है वो इतने पैसे नहीं देता, तो इसलिए मैंने ये लो प्राइस में ये राउटर मिला है। तो ये काफ़ी अच्छा राउटर है और इसको मैंने ऐसे WISP मोड पे चलाना है। WISP मोड ये वो होता है कि ये एक्सेस पॉइंट से जो है हमें ये सिग्नल लेगा मेन टावर से, और आगे ये नए नाम से नए पासवर्ड से ये आगे यूज़र को जो है वो स्पीड प्रोवाइड करेगा। तो मैं इसके मैक पे जो है वो यूज़र को स्पीड दूंगा तो ये आगे उसको जो है वो यूज़र नया पासवर्ड और नए नेम से जो है वो उस यूज़र को जो है वो स्पीड देगा। तो इसको हम आउटडोर बनाते हैं। इसके लिए मैं ये एक बॉक्स लेके आया हूँ, तो इसमें जो है वो मैंने सब चीज़ें जो है वो फिक्स करनी है। तो मैं तमाम जो है वो दोस्तों को गुजारिश करता हूँ कि ये आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसको हमने कैसे आउटडोर बनाना है। सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर ये 2 सुराख किए हैं इसके इस डिवाइस के, सिर्फ हमने एंटीने जो है वो बाहर निकालने हैं। उसके बाद मैंने ये 3 सुराख किए हैं। इसलिए किए हैं कि इसके बैक साइड पे ये जो है वो ये फिक्स करने के लिए पतली लगाई है, और इसको हमने ये क्लंप जो है ये लगाने हैं ताकि हम किसी भी पाइप के साथ उसको आसानी फिक्स कर लगें। और ये राउटर जो है हमारा इस तरह से ये इसके अंदर फिक्स आएगा, और एंटीने जो है वही हमने बाहर रखने हैं इसके ऐसे। और ये हमारा अडाप्टर जो है ये भी इसी के अंदर फिक्स आ जाएगा। तो जल्दी से हम जो है वो इसकी फिटिंग जो है वो करते हैं। एंड हमने इसको बॉक्स के अंदर जो है फिक्स कर लिया है। हमने 220 वोल्ट की ये वायर जो है इसके अंदर लेके आए हैं, और यहाँ से हमने इसके अंदर जो है अडाप्टर इसके अंदर फिक्स कर दिया है, और 220 वोल्ट जो है हमने इसको नीचे रूम से देने हैं, और ये हमारे जो है वो छत के ऊपर जो है वो लगेगी ये डिवाइस। तो ये ऊपर से जो है वाईफाई के सिग्नल जो है वो हमें सेंड करेगी, और एक्सेस पॉइंट से ये जो है वो
सिग्नल लेके आगे जो हमें प्रोवाइड करेगी इस डिवाइस, तो इसको हमने फाइनल जो है वो इसको इसके ऊपर जो है इसका कवर जो है वो हमने इसके अंदर ऊपर जो है वो फिक्स करना है। तो देखते रहें आप मेरी वीडियो। फ्रेंड्स हमारी डिवाइस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, हमने इसको मुकम्मल जो है वो आउटडोर बना लिया है। तो अब हम इसकी सेटिंग करेंगे मज़ीद, और इसकी सेटिंग करके फिर हम इसको आउटडोर जो है वो छत के ऊपर लगाएंगे। तो मैं मज़ीद जो है इसकी सेटिंग के मतलब भी आपको बताता हूँ कि कैसे अपनी इसकी सेटिंग करनी है। फ्रेंड्स हमने डिवाइस की पावर को ऑन कर लिया है और मैं इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करके इसकी सेटिंग करनी है। आप भी मोबाइल के साथ इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वाईफाई को कनेक्ट करते हैं। हमारे पास स्टैंडा की ये डिवाइस शो हो रही है हमारी, इसको हम कनेक्ट करते हैं। इसका जो फिज़िकल आईपी है डिफ़ॉल्ट आईपी वो है 192.168.0.1। अगर ये डिवाइस के पीछे ही मेंशन किया होता है, यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें गो टू पेज, ये हमारा इसको हमने एक्सेस करने के लिए ये आईपी जो है हमने किसी भी ब्राउज़र में एंटर करना होता है, यहीं से हम इसको ओपन करते हैं। तो हमारी डिवाइस ओपन हो चुकी है। अगर तो आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको ट्रिपल पीओ सेटिंग या स्टैटिक आईपी या डायनेमिक आईपी दे रहा है तो वो उसके ऊपर आप इससे सेटिंग करवा लें। मैंने फ़िलहाल इसको डायनेमिक आईपी पे ही चलाना है तो यही है मैंने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर कोई भी वाईफाई पासवर्ड जो है वो अपना वो इंटर करना है, तो मैं यहाँ पर वाईफाई पासवर्ड इंटर करता हूँ और ओके कर। हमारी डिवाइस जो है वो एक दफ़ा रिबूट होगी, दोबारा हम इसको कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमने इसका जो पासवर्ड है वो एंटर किया है, लगाया है नया। तो यहाँ पर हम इसको पासवर्ड जो है वो लगाते हैं। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और कनेक्ट करते हैं इसको। तो हमारी डिवाइस जो है दोबारा ओपन हो चुकी है। उसके बाद हमने इसकी सेटिंग में आना है। सेटिंग में आके आपने एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ओपन करनी है। यहाँ से आपने जो मेन पेज आता है इसका लॉगिन का, अगर आपने वो पासवर्ड जो है नया रखना है ताकि आपकी डिवाइस कोई एक्सेस ना कर सके, तो यहाँ पर आपने पासवर्ड इंटर करना है। उसके बाद दोबारा फिर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड इंटर करना है। उसके बाद 6.0.1 सक्सेस किया है, तो यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहते तो वहाँ पर आप चेंज कर दें। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 3.5। और एक दफ़ा यहाँ पर क्लिक कर दें और ओके कर दें। तो डिवाइस हमारी एक दफ़ा फिर दोबारा रीबूट होगी, हम दोबारा इसको एक्सेस करेंगे 3.5। फ्रेंड्स हम डिवाइस को दोबारा एक्सेस करते हैं नए लैन आईपी से। तो यहाँ देखें 3.5 आ रहा है, इससे हमें इसको एक्सेस करना है। हमारे पास डिवाइस दोबारा फिर ओपन हो चुकी है। अब हमने इसकी इसकी इसके इसको कनेक्ट करना है मेन डिवाइस से। तो उसके लिए वायरलेस रिपीटिंग में आ जाएं। यहाँ पर हमें तीन मोड मिल रहे हैं, WISP मोड, यूनिवर्सल रिपीटर और AP मोड। WISP मोड वो है जिससे अगर हम मेन डिवाइस के साथ हमने इसको एक्सेस करना है तो ये हमें हम इसको नए SSID से आगे सिग्नल फ्राहम कर सकते हैं इसे और नए पासवर्ड से। और यूनिवर्सल रिपीटर वो है कि अगर हम इसको मेन डिवाइस से कनेक्ट करेंगे तो जो मेन डिवाइस का SSID होगा और पासवर्ड होगा यही ये आगे उसको एक्सटेंड करके जो है वो फ्राहम करेगी डिवाइस, यूनिवर्सल रिपीटर ये है। तो AP मोड ये है कि हम इसको लैन के ज़रिए जो है वो इसके सिग्नल जो है वो फ्राहम कर सकते हैं वाईफाई के ज़रिए। तो हमें उसके लिए ईथरनेट केबल की ज़रूरत है AP मोड को, उससे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर हम इसको WISP मोड से जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और उसके ऊपर मैंने इसको कनेक्ट करके चलाना है। तो उसके लिए ये मेरे पास जो है वाईफाई शो हो रही है, मैंने इसको ये मल्टीनेट के साथ जो है कनेक्ट करना है। इसके सिग्नल जो है मुझे 82
परसेंट जो है वो मुझे मिल रहे हैं। तो अगर आपके आपने मेन डिवाइस को पासवर्ड एंटर किया हुआ है तो यहाँ ये इसको पासवर्ड का पूछेगी, तो आप पासवर्ड एंटर कर देना है। मैंने फ़िलहाल मैक फिल्टरिंग यूज़ की है, तो मैंने इस राउटर का मैक आईडी पहले ही मेन डिवाइस में जो है वो एंटर कर दिया था। मैंने जैसे यहाँ से इसको ए मल्टीनेट को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। हमारी डिवाइस जो है वो मेन डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगी, उसके बाद हमारा राउटर जो है वो रिबूट होगा। फ्रेंड, हमारी डिवाइस जो है वो रिबूट हो चुकी है, हम इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं और ये देखें हमारी ट्रैफिक जो है वो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग शुरू हो चुकी है। हमें जो मेन से आईपी मिला है वो 20.55 मिल चुका है। अब हम इसके ऊपर कोई ब्राउजिंग करके देखते हैं, YouTube। तो हमारे डिवाइस जो है वो काम करना शुरू कर गई है और अब इसके ऊपर कोई वीडियो चलाते हैं। तो ये देखें दोस्तों, हमारे पास हमारी डिवाइस जो है वो काम कर रही है। यही डिवाइस, वो आप स्टैंड टाइप पीसी में डिवाइस, या आप इसको इसको किसी भी, आउटडोर बना के जो है वो आप यूज़ करा सकते हैं या आप खुद यूज़ कर सकते हैं। 1600 रुपए की ये डिवाइस है, इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो इसको आप आउटडोर बना के चला सकते हैं। और इसके अंदर आप अगर मज़ीद चेंजिंग करना चाहते हैं, इसका वाईफाई पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने सेटिंग में आना है और यहाँ पर वायरलेस सेटिंग में आके यहाँ पर इसका नेम जो है वो चेंज कर लें। जैसे मैं इसको कर देता हूँ वाईफाई टेस्ट। और उसके बाद इसका पासवर्ड जो है वो आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर लें यहाँ से, और उसके बाद आपने ओके कर देना है। बहुत आसान सेटिंग है इसकी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डिवाइस हमारी रिबूट होगी, दोबारा हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये देखें, हमारे पास वाईफाई टेस्ट के नाम पे डिवाइस ओपन हो चुकी है। यहाँ पर इसका पासवर्ड एंटर करते हैं दोबारा, 4567 8, और डिवाइस कनेक्ट हो चुकी है हमारी। और ये देखिए दोस्तों, और इसके दोबारा ब्राउजिंग करते हैं इसके ऊपर। मैंने ये डिवाइस 600 फीट के फासले से यूज़र को लगा के देनी है, तो पहले मैंने इसको 100 फीट के फासले से लगा के दी थी इनडोर, नीचे उसने रूम में रख के चलाई हुई है। तो मैंने अब इसको और ज़्यादा फासले से जो है मैंने यूज़ करवानी है, तो ये डिवाइस आप यूज़र को इस्तेमाल करा सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की हमारी वीडियो इतनी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अगर हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।